नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं और आने वाले सावन के महीने में उन्हें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि उनकी वैवाहिक समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाए। सावन का महीना 4 जुलाई को शुरू हो रहा है, तो ऐसे में पति पत्नी एक मिट्टी का शिवलिंग बनाए और उसकी विधिवत पूजा करें, क्योंकि इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है और हर सोमवार को मिट्टी के शिवलिंग पर दूध और केसर मिलाकर अर्पित करना है। ऐसा करने से लगातार 8 सोमवार यदि आप इस बार करेंगे और साथ ही विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे सोमवार के, तो आपकी वैवाहिक समस्याएं जो है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर उनकी लाइफ में काम बहुत अटक रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सावन के सोमवार को आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र लेने हैं और हर बेलपत्र पर हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखना है और ये बेलपत्र आपको शिव मंदिर में जाकर अर्पित करने हैं। देखिए, धीरे धीरे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी और साथ ही आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।